हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.5 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया गया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेव लेंथ लैम्डा ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर गिवन है हमारे पास वेव लेंथ और इसकी वैल्यू दी गई है 580 नैनोमीटर। फर्स्ट स्टेप है, नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वी न्यू दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 meter। तो हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 580 × 10^-9 meter। तो वेव लेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रीक्वेंसी बतानी। तो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी वी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, जहाँ पर सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा है हमारा वेव लेंथ। तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10^8 meter per second और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 580 × 10^-9 meter। चलिए कैलकुलेशन को पहले तो ईज करेंगे क्योंकि 3 को 580 से डिवाइड करना मुश्किल है। तो हम 3 का मतलब क्या होता है, 3.0। अब इस 3.0 का दो डेसिमल उसको शिफ्ट करेंगे राइटवर्ड 3 step। तो हम बना लेंगे इसको 3000। हमारा डेसिमल कहाँ था, 3 के जज्बात था, 3 step इधर आ गया। तो अब हमारा डेसिमल कहाँ हो गया, यहाँ × 10^। अब पावर लगेगी क्योंकि हमने डेसिमल शिफ्ट किया है और राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो -3 3 step राइटवर्ड। और पहले वाला है 8, इसको भी लिख लिया। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में 10^-9 वो भी ऊपर चला जाएगा और +9 हो जाएगा। नीचे क्या बचता है, 580, ठीक है। अब सीधा सीधा हम 580 से 3000 को डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 5.17। अब देखिए पावर्स पे आ जाते हैं, पावर्स हमेशा ऐड होती है। तो 8+9 17, हम प्लस 8 और 9 प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8+9 17 हो गया। 17 - 3, तो 17 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा, 14। ये हमारा पावर्स हो गई। तो हमारा आंसर आ चुका है, इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 5.17 × 10^14 पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है वेव नंबर। वेव नंबर वी डैश, इसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा की वैल्यू है 580 × 10^-9 meter। अब फिर से वैसे ही करना है, 1 का मतलब है 1.0। अब इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे राइटवर्ड 3 step, तो ये हो जाएगा हमारा 1000.0। अब जब हमने डेसिमल शिफ्ट किया है तो पावर लग जाएगी, तो 10^ हमने कितना किया है, 3 step राइटवर्ड -3, ये हमारी पावर लग गई, ठीक है। अब नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 10^9 और डिवीजन बचा है 580, ठीक है। ये हमारा केस बन गया। अब हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 580 से, इसको डिवाइड करना आसान है और हमारे पास आंसर आएगा 1.72, ये वैल्यू आ जाएगी। अब पावर्स को आ जाते हैं, पावर सिंपली एडअप हो जाएंगी, तो 9 + 9 - 3, तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 = 6, +6 लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 1.72 × 10^6 और इसमें यूनिट क्या रखेंगे हम, पर मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया वेव नंबर का। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी थी, थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है और ईजी बनाने के लिए। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू।